नहीं छोड़ूंगा। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, फरमाया इससे पहले तोबा के दो आंसू बहाता, जमीन और आसमान ने अगर गुनाहों से जमीन और आसमान के खला को भर दिया है ना, वो दो आंसू आग ठंडा करने के लिए काफी थे। लेकिन जब तू मौत अपनी आंखों से देखेगा, सारी दुनिया की दौलत भी खर्च कर देगा, तो अल्लाह फरमाते हैं तोबा का कलिमा ऐसा होगा, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, एक जबान से निकला हुआ कलिमा जो हवा में तहलील हो गया। अल्लाह अपने कानून में बहुत सख्त है मेरे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं देगा कि मिट्टियों के खत्म, ना 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 ना, ये सब कुछ अल्लाह ने जो निजाम बनाया है आजमाइश के लिए। आज लोग तकब्बुर कर रहे हैं, फख्र कर रहे हैं, अल्लाह के हकाम की धजियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया तमत्ताऊ, मजे उड़ा लो। मैंने बताया ना, लिबरल लोग ज्यादा मजे उड़ाते हैं, बारिश में बगैर कपड़ों के एंजॉय करते हैं, मौलाना लोग तो बेचारे थोड़ा कपड़ों का ख्याल कर लेते हैं ना। तो अल्लाह फरमाते हैं तमत्ताऊ, बहुत मजे उड़ाओ, शराबें भी पियो, जिना भी करो, हराम दोस्ती, जो शादी की बात करे उस पर तो बोलो, हर वक्त शादी शादी करता रहता है मिंबर पे बैठ के, लेकिन जिना करते रहो बैठ के, लड़कियों से हराम दोस्तियां लगाते रहो, यतीमों का माल खाते रहो, बड़ा भाई छोटे भाई को विरासत ना दे, इंटरनेट पर पूरी पूरी रात नंगी फिल्में देखते रहो बैठ के, लड़कियों से स्काइप पे वीडियो चैटिंग करते रहो। अल्लाह फरमाते हैं तमत्ताऊ, मजे उड़ाओ, उड़ाओ जितने उड़ा सकते हो, इन्ना मसीरकुम इलन नार, आना आग की तरफ है, क्योंकि मैं रब हूं, मेरी सजा फिर मेरे हिसाब से होगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी। वो सजा मुआखर इसलिए की है कि बहुत बड़ी है, छोटी मोटी होती तो उसी वक्त दो थप्पड़ लगा के छोड़ देता। ये ताखीर इसलिए की है कि मोहलत दे रहा है, मोहलत, अब तोबा कर लो, अब तोबा कर लो, अब तोबा कर लो, नहीं की तो अल्लाह फरमाते मौत का जब वक्त आएगा, पूरी दुनिया की दौलत भी अगर देगा तो मैं तेरी जान, कलिमतुन हुवा काइलुहा, फरमाया इससे पहले तोबा के दो आंसू बहाता, जमीन और आसमान ने अगर गुनाहों से जमीन और आसमान के खला को भर दिया है ना, वो दो आंसू आग ठंडा करने के लिए काफी थे। लेकिन जब तू मौत अपनी आंखों से देखेगा, सारी दुनिया की दौलत भी खर्च कर देगा, तो अल्लाह फरमाते हैं तोबा का कलिमा ऐसा होगा, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, एक जबान से निकला हुआ कलिमा जो हवा में तहलील हो गया। अल्लाह अपने कानून में बहुत सख्त है मेरे भाई। फिरौन सारी जिंदगी नाफरमानी करता रहा, जब पहला गोता खाया है, तौबा की ना उसने, और कैसी परफेक्ट तौबा की, कहने लगा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इसराइल, यानी कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, क्योंकि अल्लाह के मफहूम में फर्क हो सकता था, हो सकता है अपने आप को अल्लाह कह रहा हो, पूरी तशरीह शरा के साथ हाशिए के साथ कह रहा है कि मैं उस रब पे ईमान लाया जो एक गुलाम कौम का रब है, सही है ना, मेरी जो बनी इसराइल जो मेरे गुलाम थे ना, वो जिसको रब मानते हैं मैं उस पर को रब माना मैंने। अल्लाह फरमाते हैं आल आना, अभी मान ला रहा है, वक्त आसाई था कबलू, इससे पहले तूने नाफरमानी की है, ऐसा इबरत का निशान बनाऊंगा, फलयौमन नजी का भी बदनी कली तकून लिमन खल्फक आया, तू मर जाएगा, तेरी बॉडी सलामत रहेगी, आने वाले लोग क्यामत तक तेरी बॉडी को देख कर इबरत हासिल करते रहेंगे कि ये है जिसने जमीन पर ऐसी हुकूमत की कि इसकी हुकूमत के खूटे जमीन पर गड़ गए, आज कैसा इबरत का निशान बना हुआ है, कैसा पड़ा हुआ है, मसाले लगा लगा के तो उसको महफूज रखा जा रहा है, और अल्लाह फरमाते हैं ये तो उसकी बॉडी है जो तुम्हें नजर आ रही है, उस पर गुजर क्या रही है हम तुम्हें बताते हैं, अन्नार आग है, यो रजूना अलैहा गुदुवा व अशिया, जिस आग पर सुबह और शाम उसको जलाया जाता है, वयौमा तकूमुस्सा, और जब क़यामत कायम होगी, अदखिलू आल फिरौन अशद्दल अज़ाब, अल्लाह फरमाएंगे कि हम हुक्म देंगे फरिश्तों को कि फिरौन को इससे सख्त अजाब में डाल दो, आपको फिरौन लेटा हुआ नजर आ रहा है, कुरान कह रहा है लेटा हुआ नहीं है वो, सुबह और शाम आग में जलाया जा रहा है इसको, हजारों साल गुजर गए, सुबह भी आग में जलता है, शाम को भी आग में जलता है, और फरमाया अभी क़यामत आने दो, जहन्नम में हमेशा के लिए दाखिल करूंगा जो इससे भी ज्यादा सख्त है, वही यतहाज्जून फिन्नार, और फरमाया जहन्नम में जाने के बाद क्या होगा, आपस में इनके मुकालमे को अल्लाह ने जिक्र किया है कि जो फिरौन के मातहत थे वो फिरौन से कहेंगे तेरी इताअत और फरमा बरदारी में तेरी हुकूमत की वजह से हमने मूसा की बात नहीं मानी, उसे कमजोर कहा, तू कहता था मूसा को बोलना नहीं आता, मूसा के पास हुकूमत नहीं है, मूसा हमारी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, मूसा हमारी तरह ब्रॉड माइंडेड नहीं है, हमने तेरी दावत की वजह से मूसा की बात का इनकार किया, आज हम आग में जल रहे हैं, फहल अंतुम मुग्नून अन्ना नसीबम मिनन नार, क्या एक दिन के लिए तुम हमसे आग को दूर कर सकते हो, तो वो कहेगा कि मैं खुद इस जहन्नम की आग में जल रहा हूं, मैं तुमसे आग को दूर नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं सब मिलके जहन्नम
جہنم کے دارواں کے پاس جائیں گے, وقال الذین فی النار لخزنت جہنم ادعوا ربکم, کہ فرشتوں سے کہیں گے تم اللہ سے دعا کرو کہ کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے, کچھ مہلت مل جائے. تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا موسیٰ کلیم اللہ, جس سے اللہ کوہ طور پہ ہم کلام ہوا کرتا تھا, اس نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو؟ کہیں گے قالو بنا بلا, وہ کہیں گے ضرور. اللہ فرمائیں گے, پھر اعلان ہوگا, فدعو وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. فرشتے کہیں گے اللہ نے ہم پر پابندی لگائی ہے تمہاری سفارش کرنے پر, تم خود اللہ کو پکارو. اللہ فرماتے آج ان کی پکار بیکار جائے گی, کوئی اسے سننے والا نہیں ہوگا. دیکھو جب تک جسم میں روح ہے ایک دفعہ انسان توبہ کے آنسو بہا دے, ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے جو جرم ہوا, اگر کسی نے زنا کیا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا, اگر کسی نے شراب پی ہے ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں پیوں گا, اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا, اگر کسی نے وراثت کھائی ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا, آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا, اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بےہودہ فحش فلمیں دیکھی ہیں ایک دفعہ کہہ دے اللہ تو دیکھ چکا آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا. اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یجد اللہ غفور الرحیم, کیسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرطے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو, اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا, غفور بھی پائے گا, پانے کا مطلب ہے محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے جرم کو معاف کر دیا ہے, اور رحیم بھی پائے گا کہ مزید رحمتیں بھی کر رہا ہے. یہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے بھائی پیکج ہے جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے, کیونکہ غیب کا معاملہ ہے. جب اس روح اور جسم کا رشتہ کمزور ہو گیا ایڑیاں رگڑتے رہو گے لیکن اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس بے حیائی کا جو طوفان ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اللہ اس بے حیائی کے طوفان سے ہمیں بھی اور اپنے اہل و عیال اور اپنی اولادوں کو بھی بچنے کی توفیق عطا.